आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम आया कुछ पावर प्रोग्रामिंग, और पावर प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इफ कंडीशंस। तो हमारे साथ जाहिद जी, तेजेंद्र जी एंड रमेश जी हैं, और एज ए डेमो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं कपिल चौहान जी। तो इफ कंडीशन जनरली हम एक्सेल में लगाते हैं ना कि इफ ए अगर ग्रेटर देन 60 है, 50 है, तो एक रिजल्ट है, वरना रिजल्ट ना है। इसी चीज को हम वीवीए के थ्रू करेंगे। देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे एक्सेल में इफ इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उसी तरीके से वीवीए में भी है। अगर वीवीए से इफ को हटा दिया जाए तो वीवीए का बहुत बहुत कम जाता है। सो इफ इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास डेटा है और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि ग्रेटर देन जो 85 है, मैं 50 है, मान लीजिए 50 है, उसमें मैं 100 रुपए का इंसेंटिव देना चाहता हूं इस कॉलम। तो इसके लिए मैं नॉर्मली फॉर्मूले तो लगा दूंगा कि इफ दैट इज ग्रेटर देन 50 तो 100, लेकिन मैं ये चीज वीवीए से कैसे करूंगा। तो वीवीए में हम चलिए बात करते हैं कि वीवीए में इसके लिए हम क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो विजुअल बेसिक पे आया, हमने मॉड्यूल को इंसर्ट किया, मॉड्यूल को इंसर्ट किया, और यहां पे सब्जेक्ट आया या फिर इफ वन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहां पे देते हैं कि इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर दैन 50 दैन रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100। अब मैंने इसको एक लाइन में लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे पास सिंगल रिजल्ट्स, सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट्स है। अब मैं इसको रन करता हूं, अब यहीं पे प्रॉब्लम आएगी कि ये सिर्फ एक को ही करेगा। इसको रन किया, रन करने के बाद देखिए कि इसने 100 यहां पे कर दिया। अब मैं इसको नीचे से टाइप करवा दूं तो बाकी उसे कंडीशन मिलने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो इसने सिर्फ एक को किया, लेकिन मुझे जो करना है पूरे को करना है। तो मैं इसी अपने इसी कंडीशन को रिपीट करना चाहता हूं कितना बार, जितना बार डेटा है हमारे पास। तो डेटा कितना बार है, A2 से लेके 34 तक है। तो मैंने यहां पे लूप लगाया कि 4i इक्वल टू चले 2 से 34 और हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब हमने लूप लगा दिया, अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, हमने लूप लगा दिया लेकिन फिर भी मेरा यहां पे तो A2 और C2 B2 ही डला हुआ है ना। इसी कोड को 34 बार रन कर देगा, लेकिन रिजल्ट एक ही जगह पे 34 बार डाल देगा ओवरराइट करके 100, फिर डिलीट, फिर 100 उसी में, फिर 100 उसी में, फिर 100 उसी में। तो 100 रिप्लेस करेगा, दूसरा 100 डाल देगा। तो लूप लगाने के बाद हमें अपने रेंज को भी डायनेमिक करना है कि भाई जब लूप चले तो पहले बार में A2 को उठाए, दूसरे बार में A3 को उठाए, A4 को उठाए। तो जो 2 है इसको डायनेमिक करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी लूप में बताया था आपको कि आई जो होता है एक काउंटर होता है, कितना बार रन कर चुका है उसकी काउंट जो है अपने पर स्टोर रखता है, और ये भी एक तरह का वेरिएबल है। तो इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमने दोनों को कॉन्कैटेनेट कर दिया यहाँ पे आई, और यहां भी हमने दोनों को कॉन्कैटेनेट आई के साथ कर दिया। तो जब रन होगा तो पहले बार में आई पे 1 स्टोर होगा, तो ए क्या होगा, ए और 1 दोनों जब ज्वाइन होगा तो A1 हो जाएगा, मतलब कि हमारा टू से स्टार्ट है ना हमारा है। तो पहले बार में 2 होगा, तो ए और 2 जब ज्वाइन होगा तो A2 बन जाएगा, तो A2 के रिजल्ट लेगा और डेटा लेगा और B2 पे रिजल्ट डालेगा। फिर जब नेक्स्ट लूप में चलेगा तो टू जो है आई जो है टू से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा,
तो फिर ए थ्री का चलेगा। तो इसी तरह से हमारा लूप कंटिन्यू करेगा और हमारा कंडीशन को परफॉर्म करेगा। देखिए तो जाही जी, कपिल जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, अब इसमें में क्या हुआ, ये तो हो गए। मैं चाहता हूं कि जो लेस देन 50 है उसमें मैं 15 रुपीज का इंसेंटिव। अब मेरे पास क्या है, एल्स पार्ट भी आ गया। ऐसा एल्स पार्ट तो बाद में खोजते। हाँ, मुझे एक काम और यहां आ गया कि मैं जिस पे 100 दे रहा हूं, 100 उसको मैं ग्रीन के साथ कलर करना चाहता हूँ, ग्रीन कलर करना चाहता हूँ यहां। तो कंडीशन मेरे पास एक ही है भाई, ग्रेटर देन 50 पे 100 होना चाहिए बस। रिजल्ट हमने दो दे दिया कि पहला रिजल्ट दे दिया कि भाई 100 आप टाइप कर दो, और जिसपे 100 टाइप कर रहे हो, जिससे कंडीशन मैच आपने किया, उसको कलर कर दो। तो दो हो गए। तो अब मेरे पास क्या है कि सिंगल रिजल्ट बट मल्टीपल, सिंगल कंडीशन एंड मल्टीपल रिजल्ट आ गए। तो उस केस में हम रेंज को एंटरप्रेस करके नीचे आएंगे और फिर यहां पे लिखेंगे एक और रेंज ए के साथ कंबाइन होगा हमारा आई डॉट वैल। इंटरव्यू आएगा, डॉट इंटीरियर आएगा, वैल्यू नहीं, इंटीरियर कलर करना डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन। जब हम इसको तोड़ के नीचे लाएंगे तो फिर आप में इफ को एंड इफ करना पड़ेगा, राइट सर? सर मैंने इसी को ओवरराइड कर दिया, मैं चेंज कर देता हूं। राइट अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कलर हो गया। ठीक है सर? तो आप जो है सिंगल रिजल्ट एंड सिंगल कंडीशन है तो आप एक बार में लिख दो। आपके पास अगर कंडीशन एक ही है बट रिजल्ट कई सारे हैं, जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे 100 लिखवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, ऐसे और भी आपके पास होंगे डिफरेंट, तो वहां पे आपको नीचे लाइन बाय लाइन लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि VBA लाइन बाय लाइन चलता है। एक बार में एक ही प्रोग्रामिंग यूज, एक एक माने लाइन के लिए एक काम के लिए एक लाइन यूज होता है। अब मैं यहाँ पे एल्स लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो लेस देन इक्वल टू 50 है उसको मैं 15 देना चाहता हूं। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पेस्ट, और यहाँ पे एक नाम के दो नहीं होने चाहिए तो मैंने इसको डिलीट करके 3 कर दिया। और यहाँ पे else का डालेंगे, else में हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ 15 कर दिया। तो ये रहा आपको इफ और else कि आपको फॉल्स पार्ट के लिए कि भाई अगर कंडीशन मैच किया तो ए शो करेगा, जैसे इफ में होता है, और कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फिर ए काम करेगा। और उसकी कलर मैं रेड करवाना चाहता हूं तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिए और यहाँ पे वीवी ग्रीन की जगह पे वीवी रेड कर दीजिए। ओके, यहाँ आपके सामने क्लियर है सर? आप एल्स कैसे लगाएंगे समझ में आ गया जी सर? अब हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशंस। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पे इंसेंटिव जो चाहिए वो कुछ इस तरह से चाहिए। मैं चाहता हूं कि 85
85 to 95 ऐसा हो तो 500 रुपए की इंसेंटिव हो, अदरवाइज 100 रुपए की इंसेंटिव, राइट। तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, तो दो कंडीशंस कैसे डालेंगे? देखिए ध्यान रखिएगा, इफ एक इफ में हम एक ही कंडीशन डाल सकते हैं, चाहे एक्सेल हो चाहे वो वीवीएल, जितने कंडीशन उतने इफ लगेंगे। लेकिन यहां पे कंडीशंस हमारे बिटवीन है, हमारे रिक्वायर कंडीशंस है, तो यहां पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 85 और यहां देंगे एंड, फिर देंगे सेम रेंज ए के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 95। अगर तीसरा है तो ऐसे ही एंड एंड लगाइए और तीसरा कंडीशन चौथा पांचवा कंटिन्यूस आप देते चले जाइए। ओके सर। और यहां पे आप देखिए रेंज बी के साथ आई डॉट वैल्यू 100 और यहाँ पे इंटीरियर डॉट कलर बीवी ग्रीन और एल हमने दे दिया और यहाँ पे सेम ऐसे ही दे सकते हैं, बाकी सब तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 500 कर देता हूँ। दो कंडीशंस में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके अगर अब मान लीजिए इसमें मेरे पास कंडीशंस अगर है लेकिन रिक्वायर नहीं, ऑप्शनल है, जैसे कि डेट है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ड्यूटी है, तो डेट्स हमने यहाँ पे डाल दिया, ये अगस्त का ही डाल देता हूँ, अब यहां पे मुझे अगर सैटरडे डेट अगर सैटरडे है तो और संडे है तो हमें डालना है वीक ऑफ, अदरवाइज में हमें डालना है ओपन, ठीक है, दो चीज करनी है। बट यहां पे सैटरडे या संडे दोनों यहां पे नहीं हो सकते, कोई एक ही हो सकता है, इसके लिए चलिए यहां पर काम करो। दूसरी चीज अब यहां पे हमारा स्टार्ट तो पता है, टू से स्टार्ट है, बट नीचे कहां तक जाएगा इसके बारे में नहीं पता है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 5 अंडरस्कोर देते हैं और यहां पे हम देते हैं फोर आई इक्वल टू चले 2 2। अब एंड के लिए हम यहां पे देते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, नहीं ऑफसेट यहां पर कॉलन रो हो जाएगा, उसकी लास्ट रो हो जाएगा हमारा और नेक्स्ट आई। अब इसके बीच में अपना जो भी कंडीशन लिखते हैं, क्या होगा कि इफ रेंज, अब यहां पे मुझे फॉर्मेट लगाना पड़ेगा ना, हाँ फॉर्मेट, फॉर्मेट में रेंज ए के साथ कंबाइन करेंगे आई को डॉट वैल्यू कॉमा डीडी इक्वल टू सैटरडे और फिर यहां और देंगे, और में यहां पे संडे होगा,
एंड लास्ट में दैन लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे। अब दैन ने मुझे तो सिर्फ एक ही देना है यहाँ पे, एक नहीं रेंज भी देना है ना। हाँ तो यहाँ लिखेंगे रेंज बी, हाँ बी के साथ आई को कंबाइन किया, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एल्स में यहां हो जाएगा ओके, और फिर इफ को एंड करना ना भूलें, एंड जोड़ी। तो जैसे डायनेमिक मैंने इसको किया है, ऐसे इस ऊपर के सारे जितने भी कंडीशंस है सबको आप डायनेमिक कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूं, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया और का, तो हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? सर एक सेल में खाया तो सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों कैसे होगा? एक दिन खाया सैटरडे होगी या संडे होगी ना, ये ऑप्शनल कंडीशन आ गया ना यहाँ पे। एंड डालेंगे तो रिक्वायर हो जाएगी कि दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए, जैसे कि विद्या में ग्रेटर देन 85 और लेस देन 95 होना ही चाहिए, समझ गए? जैसे एक्सेल में एंड और फॉर्मूला यूज करते हो जस्ट लाइक यहाँ वही बोलते हैं। तो आप जो है सारे कोड्स हम आपको भेज दे रहे हैं, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम अगली क्लास में नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ वगैरह हो जाए। और हाँ जहर जी, आप लूप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लूप आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, और सौरभ जी आपका मेल आईडी क्या है? सॉरी कपिल जी चौहान, चौहान डॉट कपिल, चौहान डॉट कपिल ये है ना? हाँ हाँ ये। तो आज के कोर्स भेज दिए हैं और आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि कपिल जी ज्वाइन किए तो यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। ठीक है सर, बाकी आप लोगों ने तो रिकॉर्ड कर ही लिया है। ओके थैंक यू।